नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजपासी यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि आप अपने चैनल का लोगो कैसे बना सकते हैं, और दोस्तों मैंने इस लोगो को सेट करके भी आप लोगों को दिखाया था कि आप अपना लोगो अपने चैनल पे कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा जो चैनल के पीछे जो बड़ा सा पोस्टर होता है उसको आप कैसे बना सकते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि ये पोस्टर लगाना क्यों जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहां पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप इस तरह से प्रोफेशनल बैनर कैसे बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरे चैनल का पोस्टर है ये मैंने देखे यहाँ पर इसको बनाकर इसको कैसे सेट किया है, तो देखने में काफ़ी जो है चैनल प्रोफेशनल लग रहा है। तो दोस्तों आप भी अपने चैनल पर पोस्टर जरूर लगाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पोस्टर लगाने से आपका जो चैनल है वो काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा। तो दोस्तों चैनल अगर आपने नया क्रिएट किया है तो आपको पोस्टर और लोगो वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आता है, आपके चैनल को चेक करता है, तो ये जो पोस्टर लगे होने के कारण, लोगो लगे होने के कारण जो है आपका चैनल काफ़ी अच्छा लगता है, तो जो सब्सक्राइबर होता है वो आपको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेता है। तो आपके चैनल पे ये पोस्टर और ये लोगो लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बताया था कि लोगो कैसे बनता है, और आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोस्टर आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपने मोबाइल में पिक्सा लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो पिक्सा लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इंस्टॉल कर लें इसको। तो सिंपली दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ थ्री डॉट्स में जाना है, यहाँ पे इमेज साइज में जाना है। दोस्तों मैं एक बार और बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप यूट्यूब का बैनर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा साइज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे, चौथे वाले ऑप्शन में जाएंगे नीचे से। उसके बाद यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, ये कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एक बार। इसके बाद जो हम पहले इसको वाइट रख लेंगे, वाइट रखने के बाद इसको ओके कर देंगे। उसके बाद सिंपली दोस्तों हमको क्या करना है कि यहाँ पर अगर हमको फ़ोटो लगाना है अपने चैनल में, या फिर तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें काफ़ी आसानी रहेगी अपना चैनल आर्ट बनाने में। तो सिंपली दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें अपने चैनल का नाम लिखना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करके यहाँ पे दो बार जब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं अपने चैनल का यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ए के ऑप्शन में जाऊँगा। ए के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली फॉन्ट एक ले लूँगा। तो सिंपली जो मैंने फॉन्ट यहाँ पर लिया हुआ था वही फॉन्ट मैं यहाँ पर फिर से जो है लेने वाला हूँ। तो सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका साइज मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने साइज जो है सिलेक्ट करके रख लिया है। तो चलिए मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पे जो है कलर जो है इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं सिर्फ आर को सिर्फ रेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आर को रेड कर दिया। अगर मैं पूरा रेड करना चाहता हूँ तो पूरा कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आर को जो है रेड करना है और बाकी वाइट रहने देना है। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो सिंपली दोस्तों ये इस तरह से मैंने ये जो नाम है वो टाइप कर दिया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है ये बराबर आ जाए। चलिए मैंने यहाँ पे जो है नाम लिख दिया है। दोस्तों इसके बीचों बीच में रखना है, ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल के बीचों बीच में आपको यहाँ पे रख लेना है इसको। और इसके नीचे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा टेक का चैनल है तो मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट नीचे लिख लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो टेक का चैनल है तो मैंने यहाँ पे ये देखिए टिप्स एंड ट्रिक टेक्स्ट अपडेट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, इसका साइज़ जो है मैं बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ और इसके नीचे यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रखेंगे और इसको जो है थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा नीचे रख लेंगे।
ये देखिए ये जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मुझे कोई फ़ोटो लगाना है तो सिंपली इसके साइड में जैसा मैंने आपको लोगों को दिखाया था अपना, सिंपली यहाँ पे एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ कोई, जैसा कि मैं एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने कोई PNG फ़ोटो काट कर रखा है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है PNG फ़ोटो काट करके रखा हुआ तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो चलिए इस फ़ोटो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। तो चलिए इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस फोटो को सेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने ये जो फ़ोटो है ये सेट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको आपका जिस कैटेगरी का चैनल है वो यहाँ पे आप फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर कोई अपना ईमेल वगैरह या फिर अपना इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी यहाँ पे दे सकते हैं सिंपली। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे जो है तैयार कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको साइड में यहाँ पे कुछ अपने जो भी आपकी कैटेगरी का चैनल है, अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह की आईडी देना चाहते हैं तो साइड में इसके दे सकते हैं, लेकिन मेरा टैग का चैनल है तो मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है, इस पर टाइप कर दिया है। अगर आपको कोई फ़ोटो वगैरह एक्स्ट्रा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ये चौथे वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ कलर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर कलर के बाद जो सेकेंड का ऑप्शन है ग्रेडियंट का, इस पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ढेर सारे जो बैकग्राउंड है आपको अपना मतलब सिंपली जो है बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए सिंपली दोस्तों मैं ये रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पे जाएंगे, यहाँ सेव अस का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसके साइज को छेड़ना नहीं है, सिंपली दोस्तों इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो सिंपली दोस्तों ये जो है मेरा पोस्टर तैयार हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। पहले दोस्तों आप लोग ध्यान से समझ लें मेरी बात को कि अगर यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप मोड साइड पे मैंने एनेबल नहीं किया है। तो इस तरह से जो है क्लासिक स्टूडियो आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप थ्री डॉट्स में जाके इस डेस्कटॉप साइड को ऑन कर देंगे, उसके बाद जो है स्टूडियो बीटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि जो नया वाला वर्ज़न आया है यहाँ पर स्टूडियो बीटा में वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अगर इस आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें कि आपको चैनल पोस्टर कैसे लगाना है इसमें स्टूडियो बीटा में, तो आपको सिंपली थ्री डॉट्स में जाना है। उसके बाद डेस्कटॉप साइट आएगा, इसको डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन आएगा, इस व्यू चैनल पे क्लिक करके आप लोग सिंपली जो है पोस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे व्यू चैनल पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं व्यू चैनल पर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है पोस्टर मैंने बना के यहाँ पे लगाकर सेट किया हुआ है। तो अगर इस पे पोस्टर लगाना है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जूम करके यहाँ पे एक पेन का ऑप्शन आएगा, इस पेन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट चैनल आर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो पोस्टर बना के रखा है वो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम यूट्यूब एंड कंप्यूटर, तो उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपने पोस्टर बनाया है सिंपली वो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है आपको सेट कर लेना है। तो इस तरह से जो है आप अपने चैनल का पोस्टर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर जो दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।